अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ होम्योपैथी लेट डॉक्टर सादिया आसिफ, और आज हम लोग होम्योपैथी के एक और ज़बरदस्त सिंगल रेमेडी ब्लाटा ओरिएंटलिस मेडिसिन, आज हम लोग इस पर बात करेंगे और जानेंगे इस ज़बरदस्त मेडिसिन के बारे में। सो चलिए अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं और जानते हैं इस ज़बरदस्त मेडिसिन के बारे में। होम्योपैथी की एक जो मेडिसिन है वो वेरियस डिजीज़ में काम करती है, बट ब्लाटा ओरिएंटलिस मेडिसिन जो है वो स्पेशली अस्थमा के पेशेंट, दमे के जो मरीज़ हैं, इन्हीं के लिए ये इस्तेमाल की जाती है, और ये बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है। एज का कोई डिफरेंस नहीं है, अगर कोई बच्चा है, बड़ा है, बूढ़ा है, वो इस मेडिसिन को ले सकते हैं। स्पेशली ऐसे मर्द हज़रात और ख़वातीन जो फैटी हैं, थोड़े हेल्दी हैं, उन पर ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा असर करती है। इसके अलावा अस्थमा के जो पेशेंट हैं उनको ख़ुद भी कुछ एहतियाती तदाबीर जो हैं वो अख्तियार करनी चाहिए, जैसे खट्टी जो अशियाएँ हैं अपनी डाइट में, अचार, लीमू, दही, फास्ट फूड वगैरह, उनको अवॉइड करना चाहिए। ठंडी जो अशियाएँ हैं जैसे ठंडा पानी, ठंडा दूध, या वेरियस टाइप के जो हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स यूज़ करते हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। ठंडी चीज़ों से चेस्ट में दर्द, म्यूकस और कफ जो है वो ज़्यादा बनना शुरू हो जाते हैं, सांस की नाली में इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन और इरिटेशन आना शुरू हो जाती है, जैसे सांस ऊपर की तरफ लेते हैं तो एक रैटलिंग साउंड जो होता है वो, सीटी की आवाज़ वो आना शुरू हो जाती है, और अस्थमा का अटैक का मसला बन जाता है। इसके अलावा जो है साइन एंड सिम्टम अगर देखे जाएँ तो अस्थमा के जो पेशेंट हैं वो पोल्यूटेड एटमोसफेयर हो या अनहेल्दी इन्वायरमेंट हो, जैसे उनकी रिहाइश किसी ऐसी जगह पर हो जहाँ फैक्ट्री हो, डस्ट, मिट्टी, धूल वगैरह ज़्यादा हो, तो भी उनको सांस लेने में दुश्वारी आती है। तो जैसे अभी जैसे विंटर सीज़न आ गया, कुछ ऐसे अस्थमा के पेशेंट होते हैं उनको स्टार्टिंग में ही मसला बनना शुरू हो जाता है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको जब वेदर फॉग वाला या फिर स्मोक वाला होता है तो फिर उनको सांस लेने में मुश्किल होती है, अस्थमा का अटैक आना शुरू हो जाता है। तो ऐसे जो पेशेंट हैं उनके लिए ये ब्लाटा ओरिएंटलिस मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। नाइट में इन विंटर जब टेम्परेचर डाउन होना शुरू हो जाता है तो जो अस्थमा के पेशेंट हैं उनको मुश्किल आना शुरू हो जाती है। ये ब्लाटा ओरिएंटलिस जो मेडिसिन है ये आप मदर टिंचर में लें, अगर किसी को मदर टिंचर से इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता तो पोटेंसी जो है वो थोड़ी सी बढ़ा लें, जैसे 200 पोटेंसी में ले लें, कुछ अर्सा लें, अगर इससे भी आपको थोड़ा सा फ़ायदा आपको समझ आ रहा, इतना जल्दी नहीं मसला हल हो रहा, तो फिर 1 ml लें। इसके साथ हेल्पिंग जो मेडिसिन हैं जैसे इपिकॉक हो गए, वो 30 पोटेंसी में आप लें, वो भी बहुत ही कारामद मेडिसिन है। इसी तरह आर्सेनिक एल्बम जो है 30 पोटेंसी में, उसको भी आप लें, बहुत ही ये भी अस्थमा के लिए अच्छी मेडिसिन है। सो ये तो थी आज की हमारी वीडियो ब्लाटा ओरिएंटलिस पर, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगेगी। आप इसको लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन करें ताकि हर आइंदा आने वाली जो लेटेस्ट वीडियो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो अपना बहुत ज़्यादा रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।